खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार द्वारा शनिवार को चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया। इसके बाद उन्होंने जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सालय प्रबंधन समिति की एक बैठक आयोजित की, जिसमें विधायक आदेश सिंह चौहान अन्य अधिकारियों सहित मौजूद रहे। बैठक के दौरान चिकित्सालय में रख रखाव और मरीजों की सुख सुविधाओं समेत रोगियों को बेहतर सुविधा देने के लिए कई सुझाव रखे गए। साथ ही पूर्व समय में किए गए हाईवे का लेखा जोखा भी चेक किया गया, जिसमें कुछ खामियां पाई गईं, जिस पर प्रबंधन समिति के सदस्य द्वारा आपत्ति भी जाहिर की गई। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। दिशा निर्देश हैं, यहाँ पे चिकित्सा प्रबंधन समिति गठित है, वहाँ पे यहाँ पर जो अस्पतालों की जो सुविधाएं अच्छी हैं वो समिति के माध्यम से व्यवस्थाओं को एक एक करके प्रस्तुत किया जाता है और उस पर फिर विचार करके उनका अप्रूवल या रिजेक्शन का कार्य होता है। उसी क्रम में आज सभी योजनाओं पर से करने के लिए सदस्य और उस पर व्यापक रूप से चर्चा की गई, और चर्चा करने के बाद जो यहाँ पे आवश्यकताएँ हैं जैसे एसी की व्यवस्था हो या फिर साफ सफाई की व्यवस्था हो, गार्ड रखने की व्यवस्था हो, ये सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है और ऐसे जो प्रस्ताव हैं उन सभी को सैद्धांतिक रूप से दी है। स्वास्थ्य प्रबंध समिति की मीटिंग होती है जिसके सीईओ साहब के अध्यक्ष उसमें मीटिंग हुआ, इसलिए क्योंकि जो पैसा खर्च हुआ उसका लेखा जोखा देखना, लेकिन उसको जो है वो जिनको ड्यूटी पावर वो रख नहीं पाए और आगे की संभावित कि हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे दवाइयों की ज़रूरत है या किसी और उपकरण की ज़रूरत है, डीजल पेट्रोल इनकी ज़रूरत है, उसके लिए रखा जाता है प्रस्ताव। तो वो संभावित है उसके लिए हमने कह दिया, उसमें क्योंकि उन्होंने पैसा मद नहीं रखा कि किस मद में कितना पैसा उसको रखे, तो उसको दोबारा मीटिंग बुलाई जाएगी और पिछला लेखा जोखा बताएं कि वो जो पैसा आपने खर्च किया है वो किस किस मद में। चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक है, सैद्धांतिक रूप से हर 3 माह में जो है वो की जाती है, आयोजित की जाती है, और इस आयोजन में हमारे जो मुख्य विकास अधिकारी महोदय अध्यक्ष होते हैं। तो जो चिकित्सालय की मूलभूत सुविधाएं हैं उन सुविधाओं में कोई कमी होती है या रोगियों के लिए सुविधाओं में कुछ कमी होती है या जो है चिकित्सालय के ऑपरेशन मतलब ऑपरेशनलाइज करने के लिए उसकी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था के प्रस्ताव हम देते हैं। जैसे मुख्य रूप से इस बार हमारे जो बिजली पानी से संबंधित हैं, लेबर रूम के जो है उनके उपकरणों से संबंधित है, कुछ हमारे जच्चा बच्चा वार्ड में कुछ इलेक्ट्रिफिकेशन का है, पावर बैकअप का है, इस तरह के प्रस्ताव हैं, जनरेटर और RO फैन वगैरह इन सब की सर्विसिंग से संबंधित हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन में भी अनुरक्षण की ज़रूरत होती है, जो भी हमारी मशीन हॉस्पिटल की होती हैं उनमें प्रायः जो है रख रखाव की ज़रूरत होती है, तो उससे एनुअल मेंटेनेंस से संबंधित इसमें ढेर सारे प्रस्ताव थे जिससे जो है रोगियों को हम सही समय से सही सुविधाएँ दे सकें। कुछ दवाएँ जो है हमें इमरजेंसी में क्रय करनी पड़ती हैं, कभी कभी शॉर्ट स्टॉक रहती हैं, तो उन इमरजेंसी मेडिसिन के लिए भी जो है प्रस्ताव दिए गए हैं।